नमस्कार प्यारे साथियों, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक व्यापार और उद्योग, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद खास होने वाला है। भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? याद रखिएगा, मुंबई में सबसे पहली कपास मिल स्थापित की गई थी। भारतीय रेलवे का सवारी का डिब्बा कारखाना कहाँ स्थित है? पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। याद रखिएगा इन सभी प्रश्नों को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहाँ है? याद रखिएगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहाँ है? कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित है? विशाखापट्टनम में स्थित है इस्पात संयंत्र। उसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न, भारत में ऊर्जा उत्पादन में किस स्रोत का सबसे बड़ा योगदान है? याद रखिएगा तापीय ऊर्जा। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला लोह और इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किसको किस स्थान पर स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। उसी कड़ी में भारत के किस शहर ने सबसे पहले बिजली का व्यावसायिक उपयोग किया? दार्जिलिंग ने सबसे पहले व्यावसायिक उपयोग किया है। नेक्स्ट, उसी कड़ी में भारत में पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ है? मंगलूर में स्थापित है यह संयंत्र। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस स्थान पर जर्मन तकनीकी सहयोग से लौह और इस्पात उद्योग का विकास किया गया था? राउरकेला में स्थापित किया गया था। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा की सबसे अधिक आय है प्रति व्यक्ति। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, मिग हवाई जहाज के इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? याद रखिएगा कोरापुट में यह इंजन बनाए जाते हैं। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बेहद खास और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को याद करते रहिए, जो आपके एग्जाम में बेहद खास और बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत मुख्य रूप से किस देश को लौह अयस्क का निर्यात करता है? याद रखिएगा जापान को मुख्य रूप से लौह अयस्क निर्यात करता है। यदि सूरत में निर्मित वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाती हैं तो किस प्रकार के व्यापार के अंतर्गत आता है? आंतरिक व्यापार के अंतर्गत आता है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया है? सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया है भिलाई इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट प्रश्न, असम राज्य में कार्यरत तेल रिफाइनरों की संख्या कितनी है? चार। याद रखिएगा चार है असम राज्य में कार्यरत तेल रिफाइनरों की संख्या। भारत का प्रमुख जहाज निर्माण केंद्र कौन सा है? कोचीन। याद रखिएगा प्रमुख जहाज निर्माण केंद्र कोचीन है। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में कौन सा कारखाना स्थित है? अखबारी कागज का कारखाना। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा राज्य भारत में कुल रेशमी वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करता है? याद रखिएगा कर्नाटक लगभग 50% से अधिक उत्पादन करता है। उस रेशे का नाम बताइए जिसे कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है? रियान। याद रखिएगा कृत्रिम रेशा कहा जाता है रियान को। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में धारीवाल और लुधियाना किस शहर के लिए प्रसिद्ध हैं? तो याद रखिएगा धारीवाल और लुधियाना ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं। भारतीय रेलवे का डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? वाराणसी में यह वर्क्स स्थित है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चीनी मिलों की अधिकतम संख्या कहाँ स्थित है? चीनी मिलों की अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा इन सभी प्रश्नों को। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक्स और बायो टेक्नोलॉजी जैसे उद्योग जो सबसे तेजी से विकास कर रहे हैं क्या कहलाते हैं? सनराइज उद्योग। याद रखिएगा सनराइज उद्योग कहलाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा इस्पात निर्यात माता कंपनी भारत की में किस स्थान पर अपना इस्पात संयंत्र स्थापित कर रहा है? झारखंड में स्थापित कर रहा है। वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सी है? बड़ोदरा। याद रखिएगा सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बड़ोदरा है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय जूट उद्योग का प्रमुख प्रतिद्वंदी देश कौन सा है? बांग्लादेश। भारतीय जूट उद्योग का प्रमुख प्रतिद्वंदी देश बांग्लादेश है।
किस प्रकार के उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, शिप ब्रेकिंग उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। गुजरात, याद रखिएगा अग्रणी राज्य गुजरात है। इसी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में कोरापुट में कौन से उद्योग हैं, याद रखिएगा कोरापुट में कौन से उद्योग हैं। बेहद खास और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में याद रखिएगा विमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है कोरापुट। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, किस उद्योग को सनराइज उद्योग के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा किस उद्योग को सनराइज उद्योग के रूप में जाना जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी को जाना जाता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, SIDO किसके विकास से संबंधित है। याद रखिएगा SIDO किसके विकास के लिए संबंधित है, लघु उद्योग के विकास से संबंधित है। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, ONGC ने किस स्थान पर भारत के पहले सेल भंडार की खोज की। याद रखिएगा पहले सेल भंडार की खोज की है दुर्गापुर ने, इस सभी दुर्गापुर में। इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।